नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईफोन यूजर्स के लिए। यूट्यूब ने फाइनली पिक्चर इन पिक्चर लॉन्च कर दिया है। पिक्चर इन पिक्चर का मतलब ये होता है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जैसे कि कोई यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, अनदर किसी भी एप्लीकेशन पे देख रहे हैं। तो ये तो iOS के अंदर ही फिलहाल सिस्टम होना चाहिए था। ये मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब को इंडिविजुअल, क्योंकि जो मैं आपको अभी डेमो दिखाने वाला हूँ वो सोनी लिप का दिखाने वाला हूँ, ना कि यूट्यूब का दिखाने वाला हूँ। लेकिन अब आपको iOS के अंदर भी पिक्चर इन पिक्चर फीचर देखने के लिए मिल जाएगा फिलहाल यूट्यूब की तरफ से। तो गाइस किस तरीके से वर्क करता है, तो सबसे पहले चलते हैं डेमो पे। तो दोस्तों आप जो साइड में स्क्रीन देख रहे हैं ये मेरे सोनी लिप की देख रहे हैं। तो अभी टेस्ट मैच चल रहा है इंग्लैंड का, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे तो शायद ब्लैक स्क्रीन हो जाए वीडियो के दौरान। तो अब हम इसे एकदम छोटा कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसे हम स्क्रीन पर कहीं भी मैं मूव कर सकता हूँ, और जो भी मुझे काम करना होता है मैं आराम से कर लेता हूँ। जैसे एमआई स्टोर में खोल सकता हूँ, तो लाइव साथ में लाइव मैच भी देख सकता हूँ। अब जैसे कि साउंड है, साउंड भी आराम से क्लियर रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। कोई चीज और देखनी है जैसे कि एमआई बैंड 6 लॉन्च हो चुका है, वीडियो भी आ चुकी है दोस्तों हमारी, कहाँ पे आपको मिल जाएगा फिलहाल तो एमआई स्टोर से भी खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल काम किए जा सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली आप मैच देख पाएंगे। अब मुझे वापस जाना है, या मतलब इसे रिसाइज नहीं कर सकता, या मैं इसे टच कर दूँ तो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन मैं फिर दोबारा आऊंगा तो छोटी हो जाएगी। फिर मैं इसे बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे आप इस तरीके से स्क्रीन देख पाते हैं, एंड अदर फिर मैं इसे बीच से डायरेक्टली छोटा। तो ये स्क्रीन टू स्क्रीन फीचर होता है, और आप यूजली मतलब यूट्यूब पे भी बात करूँ मैं, आप बहुत आराम से चीजें और मतलब यहाँ पे हमारा सोनी लिप चल रहा है और हम डायरेक्टली और बहुत सारी चीजें भी देख पाते हैं। जैसे कि बात करें अपनी YouTube वीडियोस, तो यहाँ पे मैं ऑन करूँ तो फिलहाल वीडियो प्ले इसलिए नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि ये लगातार चल रही है। फिर मुझे इसे स्क्रीन टू यहाँ पे मैं नीचे करूँगा तो कैंसिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे जैसे कि मैं करता हूँ तो रिमूव का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन हम डायरेक्टली मैच देखते रहते हैं। तो दोस्तों आप भी बहुत ही इजीली अपने मोबाइल पे कर सकते हैं अब यूट्यूब की, और पिक्चर इन पिक्चर फीचर आपके मोबाइल में नहीं है iOS में, तो गाइस अपने iOS को अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये नॉर्मली हर किसी मोबाइल में ही मिल जाता है iOS के में। मे बी अब YouTube को आपने अपडेट नहीं कर रखा तो दोस्तों इंडिविजुअल जाके एमआई मतलब एप्पल स्टोर में जाके वहां पे आप अपने अपडेट करते हैं YouTube को, तो अब पिक्चर इन पिक्चर फीचर अब अपने आईफोन में भी यूज कर पाएंगे। तो गाइस यहाँ पे वीडियो भी देख पाएंगे, नए नए गाने भी सुन पाएंगे, नॉर्मली अपना वर्क भी कर पाएंगे। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।